अब्दुल हफीज़ गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ज्वाला को या उस ज्योति को विलय किया गया, और जो सरकार ये तर्क दे रही है कि जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है, जहां पर हमारे शहीदों के नाम है, हम वहां पर क्यों ना ज्योति जागृत करें, वहां पर क्यों ना अलख जगाया जाए, वहां पर क्यों नहीं सम्मान दिया जाए, इसमें राजनीति क्यों देखी जा रही है? मीनाक्षी जी, मैं अपनी बात की शुरुआत राकेश सिन्हा जी की बात से करूंगा। उन्होंने कहा हम इतिहास बदल रहे हैं, बदलना चाहते हैं। इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता। इतिहास रचा तो जा सकता है, बनाया तो जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता। जो भी इतिहास में हो गया वो हो गया। अगर 1972 में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित हुई तो वहां पर हुई। सैनिकों को सम्मान पिछले 50 सालों से अमर जवान ज्योति के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो इतिहास का हिस्सा है, आप उसे बदल नहीं सकते। अगर नेशनल वार मेमोरियल में भी एक ज्योति जल रही है और अमर जवान ज्योति पर भी जल रही है, तो दोनों को जलने दिया जाए, तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें परेशानी क्या है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्योति दोनों तरफ जागृत होने चाहिए, केवल नेशनल वॉर मेमोरियल पर ही नहीं, अमर जवान ज्योति पर भी ज्योति जागृत रहनी चाहिए। अमर जवान ज्योति इतिहास का हिस्सा है, 1972 में प्रज्वलित हुई, इसको बदला नहीं जा सकता। इतिहास बदला नहीं जा सकता, मैं बार बार कह रहा हूं। जो भी इतिहास में घटित हो गया वो वैसे ही रहना चाहिए। समझ गए आपकी बात। हफीज जी, मुझे ये बताइए, आप ये चाह रहे हैं कि नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी रहनी चाहिए, अमर जवान ज्योति पर भी रहनी चाहिए, मैं ठीक हूँ? बिल्कुल रहनी चाहिए, दोनों का अपना महत्व है। और बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने कहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उन्होंने कहा है कि दोनों अपनी जगह रह सकते हैं। बहुत बहुत ऐसी पीढ़ियां हैं जो अमर जवान ज्योति को सलामी देते हुए, उनकी स्मृतियां हैं और ये स्मृतियां अतुल्य हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। ये आपका तर्क है, और इसके पीछे आप ये कह रहे हैं कि इसलिए सरकार इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसकी अपनी वैल्यू है, उस वैल्यू को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहती हूँ। ये जो अमर जवान ज्योति की लॉ को लेकर जो सियासत हो रही है, विवाद खड़ा हो रहा है, क्या वाकई में इतिहास बदलने की एक साजिश रची जा रही है और हमारी आंखों के सामने हो रही है और हम समझ भी नहीं पा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, इसका वाद विवाद 2-3 दिन से चल रहा है और हम सब सुन रहे हैं, सब तरफ के पक्ष सुन लिए। अब मेरी 2-3 बातें अगर आप सुनने को तैयार है तो मैं बता दूं जी। 1971 में दिसंबर के महीने में युद्ध चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के साथ, और वो युद्ध घमासान चल रहा था। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को 72 में होना था, तो उस समय भारत सेना ने प्रधानमंत्री से कहा कि इस साल हम रिपब्लिक डे परेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम युद्ध में व्यस्त हैं और सारी सेनाएं वहां पर नहीं पहुंच पाएंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मत कीजिए आप। तो जब 17 दिसंबर को हमने विजय प्राप्त कर ली, ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करके बांग्लादेश बना दिया, वेस्ट पाकिस्तान को डिफीट कर दिया, तब प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ साहब से कहा कि देखिए, अब तो हमें विक्ट्री मिल गई है, अब हमें कहीं ना कहीं जगह पे जाके एक श्रद्धांजलि देनी चाहिए अपने जवानों को जिन्होंने 1971 वॉर में अपना पूरा योगदान दिया, अपनी जान दी। तो उस समय मुश्किल से 2-3 हफ्ते रह गए थे रिपब्लिक डे को आने के लिए। 2-3 हफ्ते के अंदर ऐसी जगह ढूंढना इतना आसान काम नहीं था। तो आर्मी चीफ बड़े उस समय बड़े डायनामिक थे, उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, हम कुछ ना कुछ इसका प्रबंध करेंगे। तो उन्होंने जल्दबाजी में इंडिया गेट के नीचे एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के द्वारा एक अमर जवान ज्योति को लगा दिया। उसको लगाने में मुश्किल से 8-10 दिन लगे होंगे शायद, क्योंकि एक छोटा सा चबूतरा बना के काले पत्थर का, उस समय तो काले पत्थर भी था कि सफेद पत्थर पे उन्होंने अमर जवान ज्योति दर के राइफल रख के और ज्वाला जलाने का प्रबंध करा दिया। तो ये एक टेम्पररी सिस्टम था जो कि उस समय 10-15 दिन में करना जरूरी था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस तरह से एक रिक्वेस्ट की और आर्मी ने कहा जी हम जरूर करेंगे। तो ये हो गया 26 जनवरी 1972 में प्रधानमंत्री ने जाके वहां पे अपनी जो देनी थी उन्हें सॉल्व देनी थी वो दे दी उन्होंने, वहां पे अपनी रीत रख दी जाके वहां पे। बहुत अच्छा हुआ, पूरा देश बहुत उससे खुश हुआ, आर्म फोर्सेस खुश हुई। उस दिन से लेके अब पिछले अगले 45 साल तक भारत सेना ये कहती रही, मैं उस समय सर्विस में था, हमने बहुत दफा कहा कि एक हमारा वॉर मेमोरियल होना चाहिए जहां पे जो टेम्पररी बना है इसको दुरुस्त जगह दुरुस्त तरीके से बनाया जाए, जिस तरीके से मेमोरियल बनते हैं वर्ल्ड ओवर। तो आपको दूसरी बात,
तो ये मेमोरियल का क्या माने है और ये कहाँ बनता है, कैसी इसकी बनावट होनी चाहिए? देखिए, जो वॉर मेमोरियल होता है वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे कामनेस हो, जहाँ पे चारों तरफ कोई हल्ला गुल्ला ना होता हो। क्यों? इस बारे कि हम वहां जाके अपने जो माटे थे उनको सलाम करते हैं, उनका नमस्ते करते हैं, उनके सलूट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके सोल को रेस्ट मिले, रेस्ट, प्लीज रेस्ट देयर सोल इन पीस। और उसके लिए पीस चारों तरफ जरूरी है, सबका दिमाग बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ठंडे दिमाग से जाके हम नमन करते हैं इन सबको। कब नमन करते हैं? जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, आर्मी डे हो, रेजिमेंटल डेज हो, इन्फेंट्री डे हो, इस तरह के डेज होते हैं हमारे, तो हम वहां जाके शांति से नमन करते हैं, सलूट करते हैं, अपनी रीत रखते हैं। अभी पिछले 17 दिसंबर को जब गोल्डन जुबली हुई तो सब रेजिमेंट एक एक करके गई है वहां पे। मैं भी गया था, मेरी रेजिमेंट भी थी, मैंने भी हिस्सा लिया है। जो हमारी यूनिट के लोग शहीद हुए उनके उनके ब्रिक के सामने जाके हमने नमन किया, फूल चढ़ाए, तो उनके नाम पे ब्रिक लगी हुई है वहां पे। उनका हर एक व्यक्ति 26,000 आदमियों की ब्रिक्स लगी हुई है। और अगर आप जाके डिजाइन देखें उसका, तो उसके चारों तरफ बड़ा भारी बगीचा है, शांति है, वहां गाड़ियों की आवाज नहीं आती है, वहां जब फ्लैग ऊपर जाता है तो प्रसाद जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि यथोचित सम्मान जो मिलना चाहिए था, देखिए आपने इतना वाद विवाद 2 दिन से चल रहा है और इतने सीनियर पॉलिटिशियन बैठे, मेरा काम यह है कि मैं उन्हें बता दूं कि ये क्यों शिफ्ट हुई, इसका क्या महत्व है, अगर आप मुझे 1-2 मिनट और दे दें तो। जैसे कि ये डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट होती रहे, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि इस ये जो टेम्पररी थी, ये बीच सड़क में थी। आपको मालूम होगा, ये तो सब बुजुर्ग हैं, पॉलिटिशियन से बैठे, उन्होंने शायद दिल्ली में देखा भी होगा, जब तक ये अमर जवान ज्योति वहां नहीं बनी तो वहां गाड़ियां चलती थी, पार्ट ऑफ द मेन रोड। हम चला रहे गाड़ी वहां पे, चारों तरफ गाड़ियां चलती थी, वहां पे लोग पिकनिक मनाते थे और किस्म किस्म की हरकतें होती थी वहां पे। तो मैं ये कहता हूं कि वॉर मेमोरियल एक ऐसी जगह होती है जहां हमेशा शांति रहे, और जहां मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये बुझाई नहीं गई है, इसको ट्रांसफर किया गया है, इसको एक मशाल से अपनी मशाल में लेके और रिलीजियस तरीके से, आर्मी के तरीके से ले जाया गया है और वहां पे इसको जला दिया गया। यानी कि सर एक और चीज क्लियर करिएगा कि जो अमर जवान ज्योति पर जो लॉ थी, क्या वो जैसे ही विलय हो गई लॉ नेशनल वॉर मेमोरियल में, उसके बाद फिर वो लॉ ऑटोमेटिकली वहां पर अब नहीं जलाई जाएगी? मैं ये जानना चाह रही हूँ, अमर जवान ज्योति नहीं जलाई जाएगी क्योंकि यहाँ से तो वहां शिफ्ट हो गई। बिल्कुल। और दूसरी बात समझिए कि हर एक इवेंट में कोई ना कोई जाके वहां फंक्शन होता है, फंक्शन होता है हर एक, जैसे मैंने कहा रेजिमेंटल डे में, आर्मी डे में, नेशनल डेज में, अब वो वही होता है। यहाँ तो कुछ होगा नहीं, अब पिछले जितने साल से हमारे पास वॉर मेमोरियल नहीं था, नहीं था कुछ भी हमारे पास, तो यहाँ करना पड़ता था, ये टेम्पररी था, अब हमारा मेन बन गया है। तो क्या प्रधानमंत्री 2-2 जगह जाके रीत लगाएंगे? क्या कल हमारा इन्फेंट्री डे हुआ कि हम 2 जगह, और रीत लगा किस पर रहे हैं? वहां नाम तो है नहीं, किस पर? देखिए हमारी रेजिमेंट के वहां 50 आदमी मान लिया, तो हम 50 आदमी का जाके उनके ब्रिक के सामने फूल देते हैं, और पूरी जो 26,000 आदमियों की वहां समाधि है उसके आगे हम एक रीत लगते हैं। तो अगर हमें अपने जवानों का नाम ही नहीं मालूम कि कौन वहां जिनके नाम पर वो चल रहा है, तो हम किसको जाकर फूल चढ़ाएंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।